हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीसी एजेंट हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का और आप चाहते हैं कि कस्टमर का मोबाइल नंबर से पैसा निकालना, तो आप ये काम को कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखना है। इससे पहले का वीडियो में हम आपको दिखाए थे कि किस तरह से आप कंप्यूटर में एयरटेल पेमेंट बैंक बीसी एजेंट लॉगिन कर पाएंगे। उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसे देख लेंगे। और उसके साथ हम आपको बताए थे किस तरह से आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक में, जिससे जितना भी आप पैसा निकालेंगे यानी कैश विड्रॉल करेंगे, सभी अमाउंट आपके एयरटेल पेमेंट बैंक में जमा हो। उसे अपने अकाउंट में ऐड करने के लिए आपको एक अकाउंट ऐड करना पड़ता है। वो किस तरह से ऐड किया जाता है, उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में दिखाएंगे मोबाइल नंबर से किस तरह से आप कैश विड्रॉल करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैश विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर उसी कस्टमर का टाइप करना है जिसका अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक में होगा, उसी का मोबाइल नंबर से कैश विड्रॉल होगा। अब यहाँ पर अमाउंट टाइप करेंगे, जितना अमाउंट कस्टमर निकालना चाहता है। अगर जो एयरटेल पेमेंट बैंक का कस्टमर नहीं है, उसका आधार नंबर से पैसा आप निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर फिंगर स्कैन करने का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और फिंगरप्रिंट डिवाइस पे लाइट जल जाएगा। उसके बाद कस्टमर का फिंगर स्कैन करा लेना है। जैसे ही स्कैन सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ ही देर में मैसेज प्राप्त हो जाता है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। इस तरह से आप कोई भी कस्टमर का कैश विड्रॉल कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप मोबाइल नंबर से कैश डिपॉजिट किस तरह से करेंगे, तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो देखने को मिलते रहेगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।